फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जल्द से जल्द शुरू की जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हसनैन मसूदी जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट ऑनरेबल मिनिस्टर द वे ही ऑर्गेनाइज्ड योर इक्वेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। सो दैट टेल्स अस द लीडरशिप रोल ही इज कट आउट टू प्ले। और मैं समझता हूँ ये मिस्ट्री देकर मुझे लगता है उनकी जो कैपेसिटी है द डैश एंड डायरेक्शन ही हैज उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया, क्योंकि ये तो अब तकरीबन दम तोड़ता हुआ एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। अनलेस ही इज बीइंग गिवन सपोर्ट इन अ बिग वे सो दैट ही कैन इन्फ्यूज न्यू लाइफ इन दिस। जो इसके लिए जो एलोकेशन है बहुत ही कम है, जो इनके ख्वाब हैं, इनके सपने हैं, जो दिशाएं उन्होंने मुकर्रर की है, जो बेंचमार्क्स हैं उनके लिए वो बिल्कुल नाकाफी हैं। सो मोस्ट ऑफ द एलोकेशंस दैट आर बीइंग मेड आर ईटन अप बाय दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल। ही हैड टू इनहेरिट दिस मिनिस्ट्री विद ऑल दिस बगेज द चिप्स ऑन द शोल्डर्स। तो पहले वो इनके लिए चैलेंज है, फिर उसके बाद जो 8.5% के तकरीबन वो इंक्रीज किया गया ATF में, उससे भी एक चैलेंज इनके लिए पैदा हुआ। लेकिन इन सारे जो जो उनके हाथ बांधे गए उसके बावजूद भी जो इनने जो प्रोग्राम्स इनके हैं इस मिनिस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़ी इंक्रेजिंग है, बड़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं। बट आई एम काइंड ऑफ स्केप्टिक अबाउट इट वेदर ही विल बी एबल टू जस्ट स्टिक टू इट एंड मेक द अचीवमेंट्स विद दिस काइंड ऑफ एलोकेशंस। तो पर पहले तो जो नया है उड़ देश का आम नागरिक उसके लिए मात्र मेरे ख्याल में 600 के करोड़ के करीब एलोकेशन रखी गई है। तो क्या ये कर पाएंगे जो इनका सपना है कि कितने एक एयरपोर्ट बनाने हैं, वो कनेक्टिविटी कितनी इंक्रीज करनी है, क्या वो कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलात इनके रास्ते में होंगी। तो इसी तरह जो आम नागरिक के लिए जैसे एक इनका एक मंशा है, एक इनका एक लक्ष्य है कि 30 करोड़ के करीब डोमेस्टिक टिकटिंग हो 2022 तक। तो क्या वो 30 करोड़ के करीब टिकटिंग और फिर 10 मिलियन टन्स के करीब जो कार्गो हो और उसके अलावा जो इंटरनेशनल टिकटिंग 20 करोड़ के करीब हो जाए 2027 तक, तो ये सब कुछ हो सकता है विद दिस काइंड ऑफ एलोकेशन एंड विद दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज? तो ये सारे मामले जो हैं, सारे जो ये रखे गए हैं प्रोग्राम्स, ये तो मिनिस्ट्री का काम है, इनका काम है। और हमें उम्मीद है कि इन मुश्किलात के बावजूद भी जो उनके रास्ते में रखे गए हैं वो प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर पर आऊँगा। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मैडम, खुद जो स्टेट कह रही है, क्योंकि जब कोई और बात होती है तो इनोवेशंस की बात, वो उस वक्त तो एक नरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं नॉर्मलसी का, उस वक्त तो ये बड़ा ही अच्छे तरीके से कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन क्या एक मात्र एक एयरपोर्ट जो हमारा शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या वो हैंडल कर पाएगा? इस वक्त मिस्टर साहब खुद जानते हैं कोई 82 के करीब फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट इस वक्त हैंडल करता है, 41। तो वहाँ पर नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो हैंडल करे ऐसा जो पैसेंजर जो इतना उस पर बोझ पड़ रहा है। तो ज़रूरत ये है कि जो आपका ये जो आप बना रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम बना रहे हैं, इस स्कीम को जम्मू कश्मीर को इसके दायरे में ले आइए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में मैं आपकी बहुत ही कम डिफिकल्टी है, हमारा एक एयरपोर्ट मौजूद है अवंतीपुरा में, जहाँ से पहलगाम और अमरनाथ के लिए जो हमारे जनरल साहब जानते हैं, तो जो इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें कोई खर्चा करना नहीं है। एयर स्ट्रिप तैयार है वहाँ, इंडियन एयरफोर्स वो इस्तेमाल में था। तो मैं चाहूँगा कि अगर उस पर तवज्जो दी जाए, मैंने अभी ये बात उनकी नोट्स में भी लाई जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैंने गुजारिश की, अगर
ऑनरेबल मिनिस्टर इसकी तरफ तवज्जो दें और उसमें कुछ ठोस इकदाम किए जाएं ताकि ये अवंतीपुरा का जो एयर स्ट्रिप है ये फंक्शनल हो जाए और ये जो हमारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के दायरे में आ जाए। उससे क्या होगा कि एक जो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाएगा और जो हमारा टूरिस्ट टूरिज्म है, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के अलावा हमारा जो और टूरिज्म है, उसमें भी ज़रूरत है कि एक एयरपोर्ट की फौरन ही एक एयरपोर्ट फंक्शनल बनाने की। और चूंकि ये अफोर्ड करता है एक रेडी अपॉर्चुनिटी ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए ताकि वो जो उन्होंने अपने लक्ष्य रखे हैं वो पूरे करें, तो मुझे लगता है इसमें कोई कोई डिफिकल्टी नहीं हो। दूसरी बात है जम्मू कश्मीर के लिए और आमतौर पर हर मुल्क के हर हिस्से के लिए, वो है बढ़ती जो आपने फ्री हैंड दिए है प्राइवेट एयरलाइंस को कि प्राइवेट एयरलाइंस खुद ही अपना फेयर डिसाइड करें। आपको सरप्राइज होगा, अचंबा होगा कि कभी कभी दिल्ली दुबई दिल्ली लंदन से ज्यादा किराया होता है श्रीनगर दिल्ली का, कभी कभी 50,000 तक श्रीनगर दिल्ली का किराया जाता है। वो इस वजह से कि रेगुलर नहीं हो रहा। देखिए हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, अगर आपने ये कहा कि नहीं जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज की बात की तो कैसे हो सकता है वो पूरा वो सपना, अगर आप रेगुलेट ना करें ये रैशनलाइज ना करें जो एयरफेयर है। तो खासकर जब हमारा जो नेशनल हाईवे 44 जब क्लोज होता है तो उस वक्त एक्सप्लॉइट करके एक सिचुएशन, हमारे जो प्राइवेट एक्टर्स है वो प्राइवेट एक्टर्स उसका लाभ उठाते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को और 4 गुना 5 गुना वो किराया बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर तभी आपका जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हवाई चप्पल से फिर हवाई जहाज और बाकी ये ऐसे जो है आम नागरिक के लिए, तभी वो पूरे हो सकते हैं। कैसे कोई इसका प्रयास भी कर सकता है कि वो दिल्ली से श्रीनगर जाए। आज का भी आप देखिए, आप पिछले एक साल का पूरा एनालिसिस करके आप एक चार्ट बनवाइए अपना जो भी आपका स्टाफ है वो देखिए क्या कैसे ये फ्लक्चुएट करता गया श्रीनगर से दिल्ली। तो जहाँ इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए होगी। और इस तो और दूसरी बात है, हम बार बार कहते रहते हैं कि उन्होंने जी ये किया, कब तक ये कहते रहेंगे हम, नहीं जी ये यूपीए की बात है। भाई आप 10 साल से आप हैं तो आप कैसे हर एक चीज बस जी उन्होंने ये किया, वो वहाँ 4 लोग मरे थे आज भी हम 3 मार सकते हैं। ये बातें वो नहीं होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। मिनिस्टर साहब को मजबूत करना चाहिए। देखिए इनकी कैपेसिटी है, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा मिनिस्ट्री हैंडल कर सकते हैं, इनके हाथ बंधे हुए। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि ये सारी तरफ बातों की तरफ तवज्जो हो और श्रीनगर और जो श्रीनगर की जो समस्याएं हैं टूरिज्म के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और इस रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से वो दूर की जाए। समझ, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स।